वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। बच्चे जिमें कि तुहानू पता है कि आपां फर्स्ट 3 चैप्टर्स ऑफ MOP कर ले ने, एंड नाउ वी विल डू 4 चैप्टर, दैट इज़ ऑफिस मैनेजमेंट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बच्चे तुसी बार बार, तुहानू इन्ना पता होना चाहिए कि ऑफिस का मीनिंग तुहानू बार बार आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तुसी की लिखोगे, ऑफिस का मीनिंग लिखोगे, जो तुसी फर्स्ट चैप्टर चो पढ़िया है ना ऑफिस का मीनिंग। सो तुसी फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफिस का मीनिंग लिखोगे, दैन तुसी मैनेजमेंट का मीनिंग लिखोगे। ठीक है, फिर ऑफिस मैनेजमेंट का कलैक्टिवली मीनिंग लिखोगे। सो ऑफिस का मीनिंग तुम सर नो पहला फर्स्ट चैप्टर चो देखोगे, उस तो बाद मैनेजमेंट का मीनिंग देखना है। ठीक है, मैनेजमेंट का मीनिंग देखो बच्चे, मैनेजमेंट का मीनिंग बाय फर्स्ट ऑफ ऑल हेनरी फ्योल ने की दिता। मैनेजमेंट का मतलब की होंगे, किसी भी चीज़ को की करना, मैनेज करना बच्चे। तो मैनेज कौन करता, ऑफिस के मैनेज कौन करता, मैनेजर्स करते हैं, वर्करस मैनेज करते हैं। मैनेजमेंट का मतलब तुम किसी भी चीज़ को किदा मैनेज करते हो। हम बच्चे तू जिदा तू लगता वा कि मैरिट लैनी है, ठीक है, 12th के मैरिट लैनी, तुम अपनी मैनेज करते हो ना, हर एक चीज़ को मैनेज किदा करते जो तुसी किन्ने घंटे पढ़ना, सवेरे किन्ने बजे उठना, तुसी किन्ने बजे सोना, तुसी किन्ने घंटे पढ़ना, दैट मीनस सारा कुछ मैनेज कर रहे हो। क्यों मैनेज कर रहे हो, कि तुहाडे गोल्स अचीव हो सन। गोल तुहाडा की है कि तुसी वध तो तुसी मैरिट चाहना। ठीक है, इदा ही ऑफिस नू मैनेज करना पैंदा। ये मैनेजमेंट का मतलब है कि ऑफिस नू मैनेज कौन करता वा, सीधी जी गल है। तुसी कहोगे वर्करस भी मैनेज करते हैं, मैनेजरस भी मैनेज करते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी मैनेज करते हैं। कहिंदे ओह किद्दां मैनेज करते हैं, आपां ओह पढ़ांगे। सो फस्ट ऑफ ऑल इहदे विच ऑफिस दी मीनिंग लिखोगे, दैन मैनेजमेंट का मीनिंग लिखोगे। मैनेजमेंट का मीनिंग बच्चे तुसी 12th दे विच मैनेजमेंट की पूरी बुक ही पढ़नी है, बिजनेस स्टडीज़ दी। ठीक है, हुण फस्ट ऑफ ऑल हेनरी फ्योल की कह रहा वा, टू मैनेज इज टू फॉरकास्ट। कहिंदा कोई भी चीज़ नू मैनेज करनू सानू पहला कोई ना कोई चीज़ फॉरकास्ट करनी पवेगी। फॉरकास्ट का मतलब है कि तुहानू पता, फॉरकास्ट वेख्या कि तुसी देखा कि बारिश होनी है, फॉरकास्ट किया बारिश होनी है, प्लैन किया। ठीक है, प्लैन की किया कि हुण तुसी छेती तो छेती की कर लो, मकई वड लो। ऑबवियसली कि जे बारिश पै गई, मैं जे तुहानू कॉमन जी एग्जाम्पल देवां कि तुहानू ऐ लगता कि बारिश पै जानी है, तो आपां छेती तो छेती जिहड़ी मक्की उह वड लईए। दैट मीनस फॉरकास्ट किया, फॉरकास्ट किदां किया कि आपां मोबाइल ते देखिया कि हो रही है, मोबाइल ते देखिया कि हो रहा है, कि मोबाइल ते देखिया कि सारा कुछ की हो रहा है, कि 24 या 25th का की करन दी आ शो हो रहा है, की कह बारिश शो हो रही है। ठीक है, बच्चे जिमें कि तुहानू पता है कि आप मैनेजमेंट का मीनिंग कर रहे सी। मैनेजमेंट का आप मीनिंग की कर रहे सी, मैनेजमेंट इज टू मैनेज इज टू फॉरकास्ट। कहिंदे कि जो तुहानू पता लगता है कि बारिश होनी है, तो तुसी पहला फॉरकास्ट किया कि बारिश होएगी, फिर उहदे ते प्लान किया कि प्लानिंग करनी चाहिए कि मेरा आह काम रहिंदा, जिदा मक्की वढ़न वाली, तो मैं मक्की पहला वढ़ लाँ। ठीक है, तो फिर वो जो तुसी ये देखा, तो फिर तू वो चीज़ नू ऑर्गनाइज़ किया कि मक्की किहड़े दिन वढ़ांगे। फिर उस तो बाद तुसी ये चीज़ ऑर्गनाइज़ की, कि कमांड की, कमांड मतलब तुसी अपने नौकरां नू कहा भी वढ़ा दो जाके। ठीक है, फिर उन्होंने कोऑर्डिनेट का मतलब उन्होंने इकट्ठे रल के, तो की मकई बढ़ा ली। दैट मीनस मैनेजमेंट का मतलब है कि तुम कोई भी चीज़ को मैनेज करना। फॉर एग्जाम्पल तुहाडे जिदा मार्क्स आ, ठीक है, तुसी मैरिट दे विच आना, तुसी पहला ये सोचा कि फॉरकास्ट किया कि मैं मैनेज भी मैं मैरिट च आना ही आना। ठीक है, उस तो बाद तुसी की किया, उस चीज़ नू की किया, प्लान किया कि किद्दां आऊंगा, फिर ऑर्गेनाइज़ किया। ऑर्गेनाइज़ का मतलब इन्ने बजे उठना, इन्ने बजे आ कम करना। फिर कमांड दिती, कमांड का मतलब यह है कि अपने दिमाग में वो चीज़ लिए की कर लिया, तुसी एक्टिव कर लिया। ठीक है, फिर कोऑर्डिनेट किया, कोऑर्डिनेट मतलब टीचर्स के नाल कोऑर्डिनेट करके मैं किद्दां काम करा, तो कंट्रोल कर लिया। जो कंट्रोल का मतलब यह है कि जो तुम मार्क्स अचीव कर लो, तुसी ये सोचा मैरिट च आना, तुसी आए जो कि नहीं आए, दैट मीनस मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट का एक होर मीनिंग आ जिहड़ा की कह रहे हैं, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग वट यू वॉन्ट टू डू। कहते मैनेजमेंट एक आर्ट आ, मैनेज करना किसी नूं चीज़ है, वट टू डू, वैन टू डू एंड हाउ टू डू। कहते कि मैनेजमेंट का मतलब ही है कि तुसी ए चीज़ नूं डिसाइड करना कि तुसी की करना चाहते जो। ठीक है, जो तुहानूं ए पता चलूगा तुसी की करना चाहते, फिर ही तुसी ओह चीज़ दे बारे की कर सकते जो मैनेजमेंट कर सकते जो। ठीक है, वट टू डू एंड दैन सेइंग टू इट दैट इट इज़ डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। कहते कि पहले तो यह वेखना कि आप की काम करना चाहते हैं। ठीक है, जो वो काम आप शुरू करना वा, तो फिर उन्होंने कहें कि उन्होंने वेखना कि एक केड़े का वधिया तो वे दे विच हो सकता वा, ता जो मैं घट तो घट कॉस्ट पवे। हुण देखो फॉर एग्जाम्पल तुम की लैनी है, मैरिट चाहना वा, तो तुम ये वेख दो जो किड़े वे च बेस्ट होगा, मैं पढ़ना भी घट पवे तो मेरी मैरिट च भी आ जाए। ठीक है, दैट मीनस मैनेज। तुम कोई भी चीज़ घर के तुहाडे मम्मा वा, मम्मा जो सवेरे उठते हैं सब्जी बनाते हैं सारा काम करते, दैट मीनस मैनेजमेंट। कोई हों कोई किसी के मम्मा 9 बजे फ्री होते सारा काम करके, किसी के मम्मा 1 बजे फ्री होते, दैट मीनस मैनेजमेंट आ। मैनेज करते हुए उन्होंने ये पता वा कि असी केड़ा काम कदों करना वा, कि असी छेती फ्री हो जाइए। मैनेज इन्ना वार पर डेली लाइफ के मैनेजमेंट यूज़ करते ही करते हैं। ठीक है बच्चे,
ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗੋਲਸ ਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹੀ ਆ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੂਲਸ ਆ, ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ DPS ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ ਜਾਂ GD ਵਿੰਗਾ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਤਿਹ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਜ਼ ਆਲ ਪਰਵੇਸਿਵ ਐਜ਼ ਇਟ ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਇਨ ਐਨੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਇਟਸ ਨੇਚਰ ਪਰਪਸ ਐਂਡ ਸਾਈਜ਼। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੰਮਾ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੰਮਾ ਸਿਰਫ 1 ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ? ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਏਮਸ ਐਟ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਸੱਚ ਐਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਈਚ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੈਨ ਪਰਫੋਰਮ ਮੈਟਰਸ ਬੈਸਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਸ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੰਮ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਰਕਾਸਟ ਕਰਦੇ, ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਜੋ, ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਫਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਫਿਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਲਿਖਣਾ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਲਿਖਣਾ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਵਾ, ਆਫਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਫਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਆਫਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਫਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮੇ ਬੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਗਾਈਡਿੰਗ ਦ ਆਫਿਸ ਪਰਸਨਲ ਇਨ ਦ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੈਥਡਸ ਮਸ਼ੀਨਸ ਐਂਡ ਇਕਿਉਪਮੈਂਟਸ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਟੂ ਦੀਜ਼ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਅਚੀਵ ਇਟਸ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਪਰਪਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਫਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੇਜਰਸ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਪਰਸਨਲ, ਪਰਸਨਲ ਕੌਣ ਆ, ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ, ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕਾਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੈਥਡਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲਾਉਣੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ, ਕਿਹੜੇ ਇਕਿਉਪਮੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਗੋਲਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਆਫਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਫਿਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਲਿਖ ਕੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਫਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਮੀਨਿੰਗ ਲਿਖੋਗੇ। ਟੁਮਾਰੋ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਸਕੋਪ ਆਫ ਆਫਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਦੈਟਸ ਆਲ ਫੋਰ ਟੂਡੇ ਬੱਚੇ।